नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ विशाल मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पहली खबर गोरखपुर से है, जहां दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के कौड़िया जंगल पहुंचे, जहां उन्होंने 10 करोड़ 16 लाख से निर्मित महंत अवैधनाथ महाराज स्टेडियम का लोकार्पण किया। साथ ही 5 करोड़ 80 लाख रुपये से निर्मित महंत अवैधनाथ राजकीय महाविद्यालय सभागार का भी लोकार्पण उनके हाथों किया गया। इस दौरान सीएम योगी ने गर्भवती महिलाओं की गोद भराई और शिशुओं का अन्नप्राशन भी कराया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वैश्विक मंच पर देश के सामर्थ्य का प्रदर्शन हमारे खिलाड़ी करते आ रहे हैं, और इसीलिए हमने तय किया है कि हर गांव में खेल का मैदान हो। साथ ही नवरात्रि की सभी देशवासियों को शुभकामनाएं भी दी। अगली खबर श्रावस्ती से है, जहां सरकारी धन के भुगतान की गड़बड़ी मिलने पर 7 ग्राम पंचायत सचिवों पर कार्रवाई की गई है। संबंधित सचिवों से भुगतान का संपूर्ण ब्यौरा मांगा गया है। यदि सचिव भुगतान में संबंधित ब्यौरा देने में असमर्थ हुए तो उनके खिलाफ FIR दर्ज कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। दरअसल सरकारी धन का भंडारबांट करने के उद्देश्य से घेरे में आए 7 सचिव ने सीधे भुगतान का खेल किया है। जिला पंचायत राज अधिकारी आनंद प्रकाश के निर्देशन पर भुगतान में गड़बड़ी बरतने के आरोप से सभी पंचायत सचिवों को आरोप पत्र निर्गत कर लिखित जवाब मांगा गया है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर सभी सचिवों पर निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां कच्ची दीवार गिरने से 2 बच्चों की मौत हो गई, वहीं 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि दीवार के पास खेलते समय ये बड़ा हादसा हुआ है। दरअसल भारी बारिश के चलते हादसे से गांव में कोहराम मच गया है। वहीं मौके पर पहुंचे जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक खीरी ने पीड़ित परिवार का ढांढस बढ़ाया। ये पूरा मामला सदर कोतवाली के वाजपेयी गांव का बताया जा रहा है। खबर अमेठी से है, जहां बीजेपी नेता सफाई कर्मचारी को पीटने का आरोप लगा है। वहीं पुलिस द्वारा नेता पर कार्रवाई ना करने से नाराज सफाई कर्मियों ने प्रदर्शन किया और न्याय की गुहार लगाई है। घटना के बाद तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। अगली खबर पीलीभीत से है, जहां हर साल नवरात्रि पर शहर के सुप्रसिद्ध यशवंतरी देवी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ जुटती है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। बीते दिन हुई मूसलाधार बारिश के पूरे शहर को जलमग्न कर दिया है, जिससे मां यशवंतरी का मंदिर भी जलमग्न हो गया है। बता दें कि मंदिर परिसर में बने तालाब का जलस्तर इतना बढ़ गया है कि पूरे मंदिर परिसर में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बताया जा रहा है कि पहले पुलिस अधीक्षक आवास के सामने वाले नाले का पानी इस तालाब में आता था, अब शहर में बसी एक नवीन संजय रॉयल पार्क कॉलोनी के नाले का भी पानी इसी तालाब में आ रहा है, जिसके चलते पानी ने विशाल रूप धारण कर लिया है। कुछ लापरवाही मान रहे हैं यहाँ पर, जिस तरीके जो जल भराव की जो स्थिति हो गई है, कई कॉलोनियों का पानी यहाँ पर इस तालाब में आ रहा है, और जिससे जो है स्थिति यहाँ पर दयनीय हो गई। जल भराव जो है माता रानी के मंदिर के अंदर तक जो है जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। पूरे शहर का मुख्य नाला एक ही है, जिसकी चौड़ाई कम है, उसकी वजह से जल भराव की स्थिति बन रही है पूरे शहर में, एक नाला होने की वजह से। अगर उसकी चौड़ाई ज़्यादा होती और वो चौड़ा होता, या दो पार्ट में दो नाले कर दिए जाते, शहर को दो जगह डिवाइड कर दिया जाता, तो ये स्थिति नहीं बनती। मेरा कहना यही है कि मुख्य नाले के अलावा एक नाला और बनाया जाए, जो खकरा जी में डाला जाए, जिससे कि जल भराव की स्थिति ना हो, जल्दी निकासी हो जाए पानी की। और बारिश तो होना स्वाभाविक है, ये ऋतुओं 6 ऋतुओं में से एक ऋतु है बारिश की, वर्षा ऋतु, वो आनी ही आनी है हर साल, तो क्यों ना उसकी पहले से तैयारी करी जाए, क्यों ना पहले से उसकी योजना बनाई जाए, जिससे कि शहरवासियों को किसी तरीके का नुकसान ना हो। पूरे शहर डूबा हुआ था, आज भीड़ ना होने का कारण, मुख्य कारण ये भी है कि लोग अपने अपने घरों में अपने अपने देवी माँ के स्थानों को सही कर रहे हैं, अपने गंदा पानी घर में पहुँचा है उसकी धुलाई सफाई कर रहे हैं, जो उनके डेली यूज़ की चीज़ें थी वो सब डूब गई हैं, बिस्तर तक लोगों के डूब गए हैं। पहले घर देखेंगे तभी तो मंदिर देखेंगे, तभी पूजा अर्चना कर पाएंगे ना, जब घर सही होगा तभी तो। पहला तो स्थान घर का है, घर से ही तो आदमी आरंभ होता है, वो इस समय
बाढ़ की तरह स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसकी वजह से लोगों की भीड़ भी यहाँ पर कम है। जिस तरीके से हमने जो यहाँ के मंदिर के पुजारी जी जो हैं उनसे हमने बात की, उनका साफ तौर से कहना है कि जो नवरात्र का जो पहला दिन है, माँ शैलपुत्री का जो है दिन है, आज यहाँ पर जो है पूजा पाठ की जाती है, लोग अपने घरों में जो है माँ शैलपुत्री की जो है पूजा अर्चना करते हैं और व्रत आदि का विधि विधान के साथ जो है पूजा पाठ करते हैं। वहीं दूसरी बात जो की जा रही है जलभराव की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं लापरवाही यहाँ पर देखने को मिल रही जिला प्रशासन की, कि जिस तरीके से कई कॉलोनियों का पानी जो है इस तालाब में जो है आ गया, जिसके कारण यहाँ पर जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। कहीं ना कहीं जिला प्रशासन इसमें हिलाहवाली करता हुआ नजर आ रहा है और जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब देखना यह है कि जलभराव की जो स्थिति है वो कब तक जो है यहाँ पर समाप्त होती है और कब जो है माता रानी का जो दरबार है वो स्वच्छ और साफ होता है। पीलीभीत से न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए प्रांजल गुप्ता। खबर लखनऊ से है, जहाँ एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहाँ इंटौजा इलाके में बड़ा हादसा हो गया। तेज रफ्तार ट्रक ने श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर मार दी। ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलटकर तालाब में जा गिरी। ट्रॉली सवार 45 लोग तालाब में डूब गए। शोर सुनकर गांव के लोग मदद के लिए दौड़े। इस हादसे में 9 महिलाएं और एक बच्ची की मौत होने की खबर भी आ रही है। SDRF ने रेस्क्यू अभियान चलाकर लोगों को तालाब से बाहर निकाला। ट्रॉली सवार सभी लोग सीतापुर के अटरिया से इंटौजा स्थित उन्हीं देवी दुर्गा मंदिर में दर्शन के लिए आ रहे थे। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां शोहरतगढ़ विधायक विनय वर्मा पर उन्हीं के स्टाफ ने काम करवाने के बाद सैलरी ना देने का आरोप लगाया है। वायरल वीडियो में पीड़ित व्यक्ति विधायक विनय वर्मा द्वारा 18 से 20 घंटे काम करवाने की बात कर रहा है। पीड़ित व्यक्ति राजकुमार सिंह इलाहाबाद का रहने वाला है। ये वायरल वीडियो एक सप्ताह पहले का बताया जा रहा है। बता दें कि विनय वर्मा शोहरतगढ़ से अपना दल के विधायक हैं। खबर मुरादाबाद से है, जहां BTC की एक छात्रा ने पुलिस कांस्टेबल पर रेप का आरोप लगाया है। युवती का कहना है कि आरोपी सिपाही उसकी सहेली का चचेरा भाई है और अमेठी में पोस्टेड है। पीड़िता का आरोप है कि निकाह करने का झांसा देकर के सिपाही पिछले एक साल से उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था, लेकिन शादी का दबाव देने पर अब उसने बात करना भी बंद कर दिया है। वो शिकायत लेकर के मुरादाबाद के कई पुलिस अधिकारियों के पास गई थी, लेकिन उसकी फरियाद पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। पीड़िता ने इंसाफ नहीं मिलने पर आत्महत्या करने की धमकी दी है। ठाकुर द्वारा थाने पर एक महिला द्वारा तहरीर दी गई। तहरीर में उसने बताया कि एक गांव के ही एक व्यक्ति जिसका नाम शहबाज मलिक है, उसने उसका साथ शादी का झांसा देकर अवैध संबंध बनाया। तहरीर प्राप्त होने पर जांच प्रारंभ की गई। जांच में पाया गया कि जो पीड़िता है और अभियुक्त है एक ही गाँव के रहने वाले हैं, एक ही समुदाय से हैं। अभियुक्त की बहन और पीड़िता दोनों आपस में सहेलियाँ थीं, दोनों परिवारों का एक दूसरे में आना जाना था। अभियुक्त आरक्षी पद पर तैनात है और इस दोनों के बीच में शादी की बातचीत चल रही थी, तभी अभियुक्त द्वारा उसे शादी का झांसा देकर संबंध बनाया। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।